मैं जो आपको पहले नए केसेस आए हैं उनसे मिलवा देता हूँ, फिर जो पहले केसेस हैं उनका आपको अपडेट दे दूंगा। ये लकी है, लकी कांगड़ा से आया है। इसके बारे में कंप्लेन ये थी कि अग्रेसिव है, तो न्यूटर कर दिया गया है, पर थोड़ा टाइम लगेगा इसका टेस्टोस्टेरोन कम होने में। प्लस जब ये जाएगा तो वहाँ बात फैल जाएगी कि भाई अगर कोई डॉग अग्रेसिव होता है तो उसको न्यूटर कर दिया जाएगा। सैमसन का ईयर इन्फेक्शन हो रखा है। हमने ईयर ड्रॉप्स स्टार्ट किए हैं, दो बार क्लीनिंग होती है, पॉमिसॉल ईयर ड्रॉप्स, क्योंकि मैटिंग हो रही है उसके कान में, ज्यादा लिक्विड डिस्चार्ज नहीं है, हल्का मैटिंग है बस। आपको लास्ट टाइम की तो क्यूट जो किटन है सनशाइन वो याद होगी, अब की बार एक और क्यूट किटन वेरोनिका लाई है जिसका नाम हमने धूप रखा है। हे धूप, बाप रे, तो सनशाइन से भी छोटी लग रही है। बेब के साथ भी एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है, ज्योति बताएगी। बॉडी में लम्स हो गए हैं जिसके ये पीछे वाले हिस्से में, ये रख पैर में, इसकी अभी टैबलेट शुरू की है, लाइजर टैबलेट। लाइजर में जो सॉल्ट है जो कि लम्स को तोड़ने में हेल्प करता है। पर लम्स होते क्यों हैं? ये लम्स, इसको इन्फेक्शन था क्योंकि पहले इसके ना स्किन के अंदर डिस्चार्ज आ रहा था, तो जब डिस्चार्ज बंद हुआ तो वहाँ पे गांठें बन गई हैं। ओके, आई विल प्रिटेंड कि मुझे समझ में आया है, पर डॉक्टर हिमांशु को मैं कहूँगा कि ये मैसेज भी कर देंगे ताकि हम ये वीडियो में लिख देंगे, ताकि आप में से जो कोई अगर ये समस्या फेस कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ा अंदाजा हो जाए। गीता यहाँ काफ़ी टाइम से, इसका वूंड तो हील हो गया है लेकिन इसकी हड्डी जो है वो अंदर से नहीं जुड़ रही, उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है। हम डॉक्टर माथुर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं राजस्थान में, ताकि जब हम इसकी टांग काटे तो इस तरह काटे कि वो इसके लिए एक प्रोस्थेटिक लिम यानी एक नकली पैर तैयार कर सकें। गर्मियों में जहाँ हमारे बाकी सारे एनिमल शेड की तरफ भागते हैं, ये है हमारी बेटी जी जो स्पेशली धूप में आके सोती हैं। बेटी जी स्कूल। आपको लास्ट टाइम जब हमने समर से मिलवाया था तो ये सर्जरी के लिए जा रही थी, और अब इसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है और ये काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रही है, पूंछ हिला रही है। दैट इज ऑलवेज अ गुड साइन। परी, आप बेटी जी को रस खिलाने आए हो? खिलाओ खिलाओ खिलाओ, गुड गर्ल। और रस ले आओ इसके लिए भी, समर के लिए भी ले आओ। गुड गर्ल परी। आई डोंट नो कि लोग बच्चों को हमेशा ये क्यों कहते हैं कि डॉगी को खुश करो, डॉगी को भगाओ, पत्थर मारो, डॉगी को खाना खिलाओ। शाइनी, अब की बार मुझे सारे अपडेट्स क्यों रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं? तुम कहाँ थी पूरा हफ्ता? दैट्स नॉट गुड ना। अब आप लोग कहोगे कि मैं स्टाफ के साथ रूड हो रहा हूँ। शाइनी, मैं रूड हो रहा हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, सी दिस इज हाउ वी टॉक। थैंक यू, आई नीड टू हाइड द गन नाउ। ठीक है, हाँ सर, उसने मुझे लिस्ट दे दी है वेरू ने कि ये सब कुछ की फुटेज नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आजकल बहुत टाइम से सेकेंड हाफ में आ रहे हैं, रेस्क्यूज आ रहे हैं, और उस टाइम जो और मैं हम लोग कॉल्स पे होते हैं, अडॉप्शन कॉल्स पे। आई सी। हाँ, तो इसलिए मैं सुझा दें। हमारे जो जॉर्ज जी हैं इन्होंने अब नए नए शौक पाली हैं। देखो, ये प्ले पेन के ऊपर पूरा चढ़ के बाहर जंप करके उतर जाते हैं। क्या कर रहे हो ये? ये बहुत गंदा बच्चा है। इस समय मैं जून को विजिट कर रहा हूँ। जून को भी मन्नत जी ने ही भेजा है जिन्होंने समर को भेजा था। ये जून का घर है, ये इसका बेडरूम है, ये इसकी बैल्कनी है जहाँ पे ये चिल कर रही है। इसको बिचारी को एक ट्यूमर है। इसने आना तो यहाँ बहुत पहले से था पर हमारे पास जगह नहीं थी, हमारे पास जगह बनी है तो ये आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि जून इस जंगले से निकल के वापस सड़क पे ना जाए तो प्लीज़ हमें namaste@peoplefarm.org पे ईमेल करिए इसको अडॉप्ट करने के लिए। तो अभी लॉकडाउन के टाइम भी हमारे पास इतने सारे आउटपेशेंट्स आते हैं और आज सारे गेट पे खड़े हैं, तो मुझे वेनू का कॉल आया और कोरोना की वजह से ऑब्वियसली हम सभी को अंदर नहीं ला सकते, तो गेट से बाहर ही ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे आउटपेशेंट्स के पेट्स का। एक यहाँ पे है, वही, ये तो क्यूट बच्चा है, इसको क्या हुआ है? इसको स्किन इन्फेक्शन है। सब हमारा मेहमान जबरदस्ती बना हुआ है, हमारे पास जगह नहीं थी, हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस थे, पर हमारे पे काफ़ी दबाव डाला गया कि आप इस डॉग को लेके जाइए। अब ये मुझे प्रॉब्लमैटिक लगता है। मैं समझता हूँ कि भाई लोगों के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय शेल्टर्स के कॉन्टैक्ट करने के, नॉन प्रॉफिट्स के, पर हमारी लिमिटेशंस है और हमें मना करना भी बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप देखो ना, अब ये डॉग हमें पता है इसको इंजरी लगी हुई है, हमें मना करना अच्छा थोड़ा लगता है, पर अगर हमारे पास जगह नहीं है और आप हमारे पे और दबाव डालते हो तो क्या होता है उससे? जस्ट एक और केस जो इस समय सड़क पे मर रहा होगा बिकॉज
ये केस जो सड़क पे ठीक हो सकता था उसके लिए हमारे पे दबाव बहुत ज्यादा बनाया गया। तो वैसे बहुत फ्रेंडली है, उसको हम आराम से मैनेज कर लेते स्ट्रीट पे। तो आपने समझाने की कोशिश नहीं करी? बहुत कोशिश की थी हमने, फिर दूसरे जगह से बार बार मुझे लाइक 10 कॉल्स आए होंगे अलग अलग नंबर से। उसके बाद ये फिर हमने इसका सर्जरी कर दिया अभी, तो अभी ये नहीं तो इसका घाव हील हो चुका है। यही है ना कि जो केसेस स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट हो सकते हैं, अगर आपको जानवरों से लगाव है तो फर्स्ट एड सीखिए ना, डॉग हैंडलिंग सीखिए। सिर्फ जो नॉन प्रॉफिट रेस्क्यू जो हमने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से चला रखे हैं, सिर्फ आप उनपे क्यों रिलाय करते हैं? काजल हो गई है अडॉप्ट, ये बहुत जल्दी जाएगी, जैसे ही शी इज गोइंग टू कनाडा, जैसे ही हमारी लॉकडाउन खत्म होगा। वैसे ही कर्ली इज आल्सो अडॉप्टेड, वो भी जा रही है कनाडा साइड ही कहीं पे, और वो ऑटम वो भी जा रही है आफ्टर लॉकडाउन। तो इनमें से 3 डॉग हमारे अडॉप्टेड हैं, और 3 डॉग जो बेचारे हैं उनको अभी घर नहीं मिला हुआ। ज्वाला को नहीं मिला है, कंगना को अभी घर नहीं मिला है, और लूसी को भी। और शर्मिली, शर्मिली भी है वहाँ पे, शर्मिली को भी तो घर नहीं मिला। शर्मिली को ऐसा घर चाहिए जहाँ पे ये सिंगल डॉग रहे, बिकॉज शी वॉज अडॉप्टेड, दिल्ली ये गई थी और फिर इसको वापस आना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डॉग थे, तो बन नहीं रही थी इसकी डॉग के साथ। शर्मिली की पर्सनैलिटी थोड़ी मेरे जैसी है कह सकते हैं। कर्ली की जो बहन है मो, वो ठीक होके चली गई है, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमारे रेजिडेंट डॉग्स ऊपर होते हैं, तो अब वो जो है फार्म के अंदर बाहर होती रहती है। एक और अपडेट ये है कि हमने लूसी को अडॉप्टेबल्स के साथ शिफ्ट कर दिया है, और इसकी सबके साथ दोस्ती भी ऑलरेडी हो गई है। हाय ज्वाला, हे लूसी, हाय, हैविंग फन। आप किसको लेके घूम रहे हो? जॉर्ज है, तो वॉक पे जा रही है। मॉम जा रहा है, जा रही है, जा रहा है। ये तो सारे मेल्स थे ना बीटल्स, ये आखिरी बीटल हमारा बचा है। आप तो मीडिया में हो, आप एनरिचमेंट में कैसे घूम रहे हो? स्टोरी लेनी है ना मेरे को दोनों की, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। अब देखो इनके हाथ में ना कैमरा है ना फोन है। सर मोबाइल है। कहाँ है? बैग में। बैग से ले रहा है मोबाइल फोटो में। अब आप देखो, आप कहोगे सर आप रूड हो रहे हैं। मैं रूड नहीं हो रहा भैया, ये मैं बात ही ऐसे करता हूँ, माफ करो मुझे। ज्योति और मैं आए हैं बैक एरिया में, जहाँ हमारे रेजिडेंट लार्ज एनिमल्स रहते हैं जो परमानेंटली अडॉप्टेड है। यहाँ पे है गिरगिट, और गिरगिट का अपडेट ये है, ये आया था पूंछ पे एक वुंड के साथ। इसकी पूंछ, फिर हमने काफ़ी टाइम तक इसका नॉर्मल ड्रेसिंग किया कि ये हील हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो था, तो कोई और इन्फेक्शन ना फैले इसलिए हमने इसकी पूंछ थोड़ी सी एम्प्यूट कर दी। अभी ये पहले से छोटी हो गई है, लेकिन हीलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है अभी। गिरगिट की पूंछ हो गई है छोटी, आई होप गिरगिट डजंट माइंड। और ये है छोटे से क्यूट से विपिन भाई साहब। विपिन को वार्ट्स का इशू हो गया था, लास्ट 2 वीक्स से हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो अभी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा है जो कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सुंदर को रेक्टल प्रोलैप्स होने लगा था, वो शुरुआत ही थी प्रोलैप्स की, हमने वो आउटग्रोथ को कट कर दिया, लैगेट कर दिया, अभी वो कम्प्लीटली फाइन है, उसको कोई इशू नहीं है और कोई ट्रीटमेंट भी आगे नहीं कंटिन्यू है। लास्ट अपडेट में आपको हमने बताया था कि किट की हमने इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश की थी हमारे जो बाकी मुर्गे हैं अमरप्रीत अकबर एंथनी उनके साथ, लेकिन किट की उनके साथ खिटखिट हो गई थी, तो इसलिए हमने किट को इनके सामने इस क्रेट में रखा था कि रोज़ किट को देखते रहें, और होपफुली कभी ना कभी ये लोग दोस्त बन जाएं। आज हम नूरी को रिलीज़ कर रहे हैं। नूरी के लिए हमें कॉल किया था चूरथा से नीतू जी ने, और नूरी को एक्चुअली वजाइना पे ट्यूमर था। फिर ये कम से कम 2.5-3 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, इसकी पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हो गई, फिर ये ठीक हो गई, और उसके बाद हमने इसको स्पे भी कर दिया। इसको हमने अडॉप्शन के लिए भी डाला था, लेकिन अफसोस ये कि इतनी प्यारी बच्ची अडॉप्ट नहीं हो पाई अभी तक प्यारू, तो इसे हमें रिलीज़ करना पड़ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे को साहिल ने कॉल किया था कि नवाब आज रिलीज़ हो रहा है, तो यूजुअली मेरे को नवाब के बारे में पता तो है क्योंकि मैं मीडिया ऑफिस में रहती हूँ, लेकिन मीडिया ऑफिस में रहने की वजह से मैं उसे कभी मिल नहीं पाई हूँ। तो दिस इज़ नवाब। रॉबिन ने इसको हमारे गांव में देखा था और इसके गले से खून टपक रहा था। नवाब को ड्यूलैप पे दोनों साइड मैगट वुंड था, बहुत बड़ा थे दोनों वुंड, उसमें बहुत सारे मैगट्स पड़े हुए थे, फिर इसकी डेली क्लीनिंग हुई, उसको एंटीबायोटिक्स भी चले, और डेली क्लीनिंग करते 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 अब उसका पूरा हील हो गया, और आज हम इसे रिलीज करेंगे छोटू। ऑल्सो मैं आज व्लॉग कर रही थी क्योंकि शाइनी अभी एक अडॉप्शन कॉल में बिजी है और रॉबिन भी बिजी थे, तो बैकअप। हाय रवीना का जो बिल्ला है ना मुर्कू, इससे मैंने एक चीज बड़ी अच्छी सीखी कि इसका ना एक पैर जो है इसमें सेंसेशन नहीं है, ये देखिए, और ये जब बेचारा
जलता है ना तो इसको चोट लग जाती है वहां पे। तो मुझे लगता है हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम में से बहुत से लोग जो है अपने इमोशन से ऐसे डील करते हैं कि हम उसकी तरफ देखते नहीं है, जो भी इवेंट होता है ना उसके इमोशंस को दबा जाते हैं। लड़कों में ये ज्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि उनको लगता है हम रो नहीं सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो बेशक आप महसूस ना करें लेकिन आपकी साइकी डैमेज होती रहती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इमोशंस को ठीक से प्रोसेस करें। गुड जॉब मुर्गू, बाय।